Hello, dear learners. This is day 41 of our English speaking course. And today we will be learning about the sentences which are used at the home. Basically, in our fourth expedition, we have learned how to invite somebody. अभिवादन कैसे करें, स्वीकृति अस्वीकृति आज्ञा अनुमति झगड़ा नाराजगी क्षमा प्रार्थना आदि अनेक प्रसंगों पर बोले जा सकने वाले वाक्य को अंग्रेजी में बोलना सीखे। अब हम लोग जब पांचवा एक्सपेडिशन में आ गए हैं तो हम लोग स्वास्थ्य मौसम चरित्र वेशभूषा पढ़ाई लिखाई खेलकूद तथा घर में और घर से बाहर किसी से मिलने पर अथवा शॉपिंग करते समय इस्तेमाल हो सकने वाले अंग्रेजी वाक्यों को बोलना सीखेंगे। तो हम लोग डे 41 से 49 के बीच में ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द सेंटेंसेस विच आर यूज एट होम। लुक मेक द बेड ओवर हेयर, देखो यहां बिस्तर लगा दो। द मिल्क हैज टर्न शावर, दूध फट गया है। लेट मी टेथर द काउ, ठहरो मैं गाय बांधा हूं। कीप द रूम क्लीन और कीप द रूम डस्टेड, कमरा साफ रखो। द कोल वेयर बर्न टू एशेस, कोयले जलकर राख हो गए। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। वी कुक पोटैटोस, potatoes is the right pronunciation. We cook potatoes every day for our meals. हमारे यहाँ आलू रोज पकते हैं। What new dish is made today? आज नई वस्तु क्या पकी है। When did the washerman last take the clothes for washing? धोबी पिछली धुलाई कब ले गया। Get this coat ironed again. Get this coat ironed. Here R is silent, so ironed again. इस कोट को फिर से इस्त्री कराओ। Put wet clothes in the sun. गीले कपड़े धूप में डाल दो। Let me get ready. मैं जरा तैयार हूँ। You are taking too long or you are being very slow. तुम बड़ी देर लगा रहे हो। We'll reach there before time. हम वहां वक्त से पहले पहुंचेंगे। So you can practice these sentences. मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। I can't wait any longer. मैं जरा आराम कर लू। I will relax or rest for a while. अनुपम कहाँ है। वेयर इज अनुपम, मालूम नहीं कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज, क्या है। व्हाट इज इट, कौन है। हु इज इट, मैं मनीष हूँ। इट्स मी मनीष। अरुण अंदर है क्या। इज अरुण इन, मेरा बिस्तर बना दो। मेक माई बेड, मेरा बिस्तर लगा दो। मेक माई बेड, तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज रनिंग, हम बहुत देर तक बातें करते रहे। वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट, वी केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट। डॉक्टर साहब को फोन करो, रिंग अप द डॉक्टर, रिंग अप द डॉक्टर। मेरे मामा मुझसे मिलने आए थे। माई मेटरनल अंकल हैज कम टू सी मी, इनको आपसे कुछ काम है। दिस जेंटलमैन हैज सम वर्क विथ यू, मुझे उसके घर जाना है। आई हैव टू गो टू हिज हाउस, वो अपने माता पिता से अलग है। ही लिव्स सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं रुक गया होता। हैड ही आस्क्ड मी आई वुड हैव स्टेड, मैं रोज सवेरे फवारे के नीचे नहाता हूं। आई टेक अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग। So this is all for the day 41 of our English speaking course.